नमस्कार, स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं आज एक नया टॉपिक, कार्डियक साइकिल, हिंदी में जैसे हम हृदय चक्र कहते हैं। तो बिना कोई देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कार्डियक साइकिल, देखो कार्डियक का मतलब हम सभी को पता है क्या होता है, हृदय, और साइकिल मतलब कि एक चक्र, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर एक ऐसी साइकिल चल रही है, हमारे हार्ट के अंदर एक ऐसी साइकिल चल रही है। तो उस साइकिल के अंदर हमारा हार्ट क्या क्या इवेंट करता है, क्या क्या एक्टिविटी करता है, यानी कि जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पे हमारा हार्ट क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, कब हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कब हमारे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सभी हम कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर से जो आवाज आती है, जो हार्ट साउंड निकलती है, जिसे हम लब और डब कहते हैं, तो ये जो आवाज आती है ना, जो धक धक की आवाज आती है, मैं बताती हूँ आपको, तो ये जो आवाज आ रही है, ये आवाज कब आती है हार्ट के अंदर, कौन से वॉल्व बंद होते हैं तो ये आवाज आती है, ये सभी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखो कार्डियक साइकिल क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट। इट इंक्लूड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब कि क्या कह रहा है ये, कि एक हार्ट बीट के समय, एक हार्ट बीट मतलब कि एक कार्डियक साइकिल के समय हार्ट के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कब हो रहा है, और भी क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, कब उसके हार्ट के साउंड की आवाज आ रही है, तो ये सभी हम कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो कुछ टर्म्स हमें पढ़ने हैं कार्डियक साइकिल आगे पढ़ने से पहले। पहला है फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन को क्या कहते हैं हम, सिस्टोल, हिंदी में कहते हैं संकुचन। और फेज ऑफ रिलैक्सेशन, यानी कि रिलैक्सेशन के फेज को हम क्या कहते हैं, डायास्ट्रोल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारे हार्ट के अंदर कितने चैंबर होते हैं, चार चैंबर होते हैं, दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। तो जब आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस फेज को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रेक्शन को हमने क्या कहा, सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसी प्रकार डायास्टोल का भी है कि जब एट्रिया रिलैक्स करेंगे तो उसको हम कहेंगे एट्रिया डायास्टोल, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डायास्टोल। तो ये सिस्टोल और डायास्टोल का खेल क्या है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का, वो हमें समझना है। देखो उससे पहले कुछ और चीज हम समझ लेते हैं। देखिए क्या, इन ईच कार्डियक साइकिल एट्रिया एंड वेंट्रिकल अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी कि बहुत सारे के माइंड में ये पिक्चर बनी हुई रहती है, सब ये समझते हैं कि दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साथ में रिलैक्स होते हैं, चारों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चारों एक साथ रिलैक्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये अल्टरनेटिवली काम करते हैं। अल्टरनेटिवली कैसे, कि जब एट्रिया काम करता है तब वेंट्रिकल आराम करता है, और जब वेंट्रिकल आराम करता है तब एट्रिया काम करता है। आराम करना और काम करना का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि काम करना मतलब कि सिस्टोल करना, आराम करना मतलब कि डायास्टोल करना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि फोर्सिंग द ब्लड फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर, यानी कि ब्लड आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, वो चाहे एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा हो या वेंट्रिकल से कहीं और जा रहा हो, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। अगला कहता है कि दिस सिक्वेंशियल इवेंट विच इज साइक्लिंग रिपीटेड इन हार्ट। हार्ट के अंदर जो साइकिल ये रिपीट हो रही है बार बार कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की, ये जो सिक्वेंशियल इवेंट्स चल रहे हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, कार्डियक साइकिल। यानी कि आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके अलावा अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एक साइकिल चल रही है, एक स्पेसिफिक टाइम में ये साइकिल चल रही है, और वो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक मिनट के अंदर, यानी कि 60 सेकंड के अंदर, हम कहते हैं ना कि एक मिनट में हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कना क्या है, ये 72 आपकी कार्डियक साइकिल है, कि आपकी एक कार्डियक साइकिल के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा है, कब चारों चैम्बर रिलैक्स हो रहे हैं, ये पूरी एक साइकिल चलती है एक टाइम में। तो एक मिनट में आपकी 72 कार्डियक साइकिल होती है, जिसे हम कहते हैं ना 72 बार धड़क रहा है, तो एक मिनट में 72 बार कार्डियक साइकिल हो रही है। तो आप सोचिए जरा कि एक साइकिल को होने में कितना टाइम लगेगा,
तो एक कार्डियक साइकिल को होने में लगता है 0.8 सेकेंड, और इसी 0.8 सेकेंड के टाइम पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि ये वेरी 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 फास्ट होता है, हमारा हार्ट बहुत फास्टली ये काम करता है। तो इस 0.8 सेकंड में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है ये हमें कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़ना है। तो ये तो 0.8 सेकंड के हो रही है भाई, इतना जल्दी हम तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, बहुत आसानी से इसको हम समझेंगे। तो देखो मोटा मोटा हम बात करें कि कार्डियक साइकिल, यानी कि एक कार्डियक साइकिल में तीन फेज होती है, कौन कौन सी, एट्रियल सिस्टोल पहली जो कि हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरी होती है जॉइंट डायास्टोल। सबसे पहले आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर चारों एक साथ रिलैक्स होते हैं। तो पहली स्टेज हमें पढ़नी है, पहला फेज हमें पढ़ना है एट्रिया सिस्टोल का, यानी कि सबसे पहले आपके एट्रिया के पास ब्लड आता है तो पहले वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो पहली फेज आती है आपकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल विच लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड। और आपका जो एट्रिया सिस्टोल करता है, आपका एट्रिया जो काम कर रहा है वो केवल और केवल 0.1 सेकेंड के लिए करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम समझेंगे, यहां पर पहले थ्योरी देख लेते हैं। इट स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगोस सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि आपके दो एट्रिया है, चार चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये हमने बनाया है यहां पर, इधर इस साइड में ये हो गया हमारा राइट एट्रियम और ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल्स और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चैम्बर हो गए। एट्रिया सिस्टोल करेगा तो ब्लड आपका हाई प्रेशर से जाएगा लो प्रेशर की ओर, ये आपके एट्रिया है, एट्रिया में ब्लड भरा पड़ा है। अब एट्रिया के अंदर ब्लड कहां से आया है, एट्रिया के अंदर ब्लड आया है आपका इस एट्रिया में आया है, राइट एट्रियम में आया आपका सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है आपका कौन सा, पल्मोनरी वैन से, इतना आपको समझ में आ गया। दोनों ने अपना अपना ब्लड लाकर एट्रियम में डंप कर दिया। अब भाई इसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड आपका लो प्रेशर की ओर जाएगा, लो प्रेशर की ओर जाएगा, लेकिन बीच में एक दरवाजा है, कोई चमत्कार से तो जा नहीं रहा है, बीच में एक दरवाजा है, वो दरवाजा ओपन होगा और ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो इस दरवाजे को हम कहते हैं एवी वॉल्व, एवी वॉल्व यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये वॉल्व ओपन होगा, आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाएगा। तो एट्रिया में प्रेशर से ब्लड आया वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, हालांकि वो बात मैंने लास्ट में लिखी है लेकिन मैं आपको यहां पर पहले ही समझा देती हूँ कि यहां पर प्रेशर से ब्लड आया है, अभी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, यहां पर प्रेशर से ब्लड आया है क्योंकि एट्रिया के अंदर प्रेशर बन रहा था, ठीक है, ब्लड का। तो यहां पर वॉल्व ओपन हुआ, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आया, तो यहां पर जो ब्लड आया ना ये केवल 70% आया, प्रेशर से जो ब्लड आया वेंट्रिकल्स के अंदर वो केवल 70% आया है। अब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो आप कपड़े धो के डाल देते हो ना तो पानी निकलने लग जाता है, लेकिन पूरा पानी तब निकलेगा जब आप उसको निचोड़ोगे। तो अब हम एट्रिया को निचोड़ेंगे, और जब हम एट्रिया को निचोड़ेंगे तो बाकी का जो 30% बचा हुआ है ना, 30% बचा हुआ है वो आपके वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो टोटल आपका भर गया वेंट्रिकल में, सारा का सारा ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आ गया है। अब आती है वेंट्रिकल्स की बारी, लेकिन उससे पहले एक बात और आपको समझनी है कि एट द सेम टाइम वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स, यानी कि जब आपका एट्रिया काम करता है तब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, इस बात को कतई नहीं भूलना है। तो अभी एट्रिया से स्टोल कर रहा है तो आपका वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। अब आती है वेंट्रिकल्स की बारी, अब आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेंगे क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर गया है, 100% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया है, और इट लास्ट फॉर अबाउट 0.3 सेकेंड, मतलब कि 0.1 सेकेंड के लिए आपका एट्रिया ने क्या किया, सिस्टोल किया। अब 0.3 सेकेंड के लिए आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा, और जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा था तब वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रहा था, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा तब आपका एट्रिया डायस्टोल करेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस फेज द वेंट्रिकुलर आर कॉन्ट्रैक्ट एंड एट्रिया इज इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई है। अगली बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट,
As the ventricular systole begin pressure rise inside the ventricles and push up the blood against the AV wall, forcing them shut, leading to production of heart sound लव. यानी कि जो हम heart sound की जो बात कर रहे हैं, जो धक-धक आवाज की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहली आवाज आपके heart के अंदर से आती है. दो आवाज आई, पहली जो आ रही है ठीक है ये वाली है जिसे हम कहते हैं लब. और ये आवाज कब आती है ध्यान से देखना, जूम करके देखते हैं स्ट्रक्चर को. देखिए वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भरा पड़ा है ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भरा है. अब वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि हमें एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया था तो एक दरवाजा खुला था, उस दरवाजे को हमें बंद करना पड़ेगा. अगर हमने ये दरवाजा बंद नहीं किया तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड पीछे जा सकता है, बैकफ्लो हो सकता है, तो हमें पीछे नहीं जाने देना है. तो पीछे नहीं जाने देना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दरवाजे को बंद करना पड़ेगा. तो बी फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिस एवी वॉल्व आर क्लोज्ड. ये एवी वॉल्व क्लोज्ड होगा और जब ये एवी वॉल्व क्लोज्ड होगा तो ये दोनों आपस में टकराएंगे. जब ये आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी जिसका नाम होता है लब. तो समझ में आया कि पहली हार्ट साउंड कब आती है, जब एवी वॉल्व क्लोज्ड होता है. सेम कंडीशन लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में भी होगी, उधर भी वो वाला क्लोज्ड होगा और आवाज प्रोड्यूस होगी ठीक है. दोनों वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर एक और वॉल्व प्रेजेंट होता है जो पल्मोनरी आर्टरी है और एओर्टा है, दोनों के बीच में एक और वॉल्व होता है जिसे हम सेमीलूनर वॉल्व कहते हैं. तो यहाँ पर इन सेमीलूनर वॉल्व को हम खोलेंगे तभी तो वेंट्रिकल से ब्लड आगे जा पाएगा. तो यहाँ पर ये वॉल्व ओपन होंगे जब वेंट्रिकलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ब्लड जाएगा आपका कहाँ पर, जो राइट वाला वेंट्रिकल है उधर से ब्लड जाएगा आपके राइट वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है उधर, और लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है उधर से ब्लड जाएगा आपकी एओर्टा में, एओर्टा से आपकी पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा. इतना आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा. अब आगे चलते हैं, आगे आती है बात की बोथ एसएल एंड एवी वॉल्व आर क्लोज दिस पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जब हम एवी वॉल्व क्लोज कर देते हैं तब एसएल वॉल्व भी क्लोज होता है एकदम से. वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब एवी वॉल्व एसएल वॉल्व खुलेगा यानी कि सेमीलूनर वॉल्व खुलेगा, लेकिन जब दोनों ही वॉल्व क्लोज्ड होते हैं ना तो एक वेंट्रिकल्स जो होते हैं, एक वेंट्रिकल्स नहीं यानी कि जब वेंट्रिकल्स जो है वो एक क्लोज चैम्बर की तरह रिएक्शन कर रहे होते हैं, पूरा दबदबा बना हुआ है, ब्लड का प्रेशर अंदर मतलब जैसे हिलोरे खा रहा है ब्लड कि भाई अब मेरे को बाहर निकालो, तो उस फेज को हम कहेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. और उसके बाद में आपका एसएल वॉल्व खुलेगा, ब्लड इजेक्ट हो जाएगा, आपका एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ठीक है. इच वेंट्रिकल्स, प्रत्येक वेंट्रिकल्स कितना इजेक्ट करता है, 70 ml ऑफ ब्लड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आर्टरी, 70 ml इजेक्ट करता है, रिमेनिंग आपका 60 ml रह जाता है यानी कि टोटल ml कितना था, 130 ml. समझ में आ गया आपको, इतना आई होप क्लियरली समझ में आ गया, कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा. एट्रिया के पास में ब्लड आया, एट्रिया का प्रेशर बना, वॉल्व खुला, वेंट्रिकल में आया, कितना आया था इसके उस समय वेंट्रिकल में कितना आया, 70%. फिर एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, 30% और वेंट्रिकल में आ गया. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे पहले एवी वॉल्व क्लोज्ड होगा, एवी वॉल्व क्लोज्ड होगा, आवाज प्रोड्यूस होगी लब ठीक है. वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड गया आपका एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड गया ठीक है, यहाँ पर ब्लड चला गया, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. तीसरी फेज आती है, तीसरी फेज आती है आपकी जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन. जॉइंट का मतलब कि चारों ही चैम्बर एक साथ रिलैक्स करेंगे, चारों ही चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे थे लेकिन रिलैक्स जरूर करेंगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त शिथिलन. इट लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड. तो टोटल हो गए हमारे 0.4 सेकेंड. 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया ने सिस्टोल किया, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर ने सिस्टोल किया, और फिर 0.4 सेकंड के लिए चारों ने डायस्टोल किया. हो गया टोटल 0.8 सेकंड. 8 सेकंड के अंदर की एक्टिविटीज भी समझी. लास्ट की एक्टिविटी समझनी है कि ड्यूरिंग दिस फेज एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर रिलैक्स्ड, बोथ रिलैक्स होंगे, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल एज वेंट्रिकुलर रिलैक्स्ड. वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब होता है कि वेंट्रिकुलर रिलैक्स. अभी अभी हमने देखा कि वेंट्रिकुलर ने सिस्टोल किया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा तुरंत अपना वेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा, बाद में
डायस्टोल करेगा, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल करेगा तो यहाँ पर एक बात और हमें समझनी है कि जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल करेगा तो हमने आपको देखा था कि जब हमें ब्लड ऊपर भेजना था तो हमने एसएल वाल्व ओपन किए थे, और जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा तो हो सकता है कि ब्लड जो है वो वापिस आर्टरी से एओर्टा से आपके वेंट्रिकल में आ सकता है। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए हमें ये वॉल्व क्लोज करना पड़ेगा, और जब वॉल्व हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक आवाज प्रोड्यूस होगी और उस आवाज को हम कहेंगे डप। तो ये हो गई हमारी सेकेंड हार्ट साउंड, यानी कि धक धक। पहला किया धक तो आई आपकी आवाज लप, दूसरा किया धक तो आवाज आई आपकी डप। क्लियर? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं पूरी की एक साथ आपको बनाकर बता दूंगी, तो और भी आपको कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो, दिस बैकफ्लो ऑफ ब्लड कैचेस इन द वॉल्व कस्प एंड क्लोज एसएल वॉल्व, सेमिलूनर वॉल्व क्लोज करेंगे एंड प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड डप। तो पहली हार्ट साउंड कब आती है? जब एवी वॉल्व क्लोज होता है। दूसरी कब आती है? जब एसएल वॉल्व क्लोज होता है। क्लियर है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग, जो कि हमने हालांकि पहले समझ ली है, मैंने आपको पहले ही बता दी है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं भाई? चार चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इतना आपको समझ में आया गया हो? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, अरे क्या कर रही हूं मैं भाई, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर से ब्लड इधर आया, इधर से ब्लड नीचे आया, इधर से ब्लड आपके गया आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरी में, इधर से ब्लड गया आपके एओर्टा में। तो ये 70% फिलिंग की बात हो रही है यहाँ पर। 70% फिलिंग मतलब क्या है? जो मैंने आपको बताया ही है कि जब यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया में क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आया आपका इधर, और इधर राइट एट्रिया से आया आपका वेंट्रिकल्स में ब्लड। तो ये राइट एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया 0.1 सेकंड के लिए। यहाँ पर देखिए आप, राइट एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया 0.1 सेकंड के लिए। अब उसने 0.1 सेकंड ही काम किया, बाकी समय तो वो आराम करेगा ना। एट्रिया ने सिस्टोल किया 0.1 सेकंड के लिए, बाकी समय तो वो आराम करेगा। जब से वो आराम करना चालू करता है तब से इस एट्रिया के अंदर ब्लड भरना चालू हो जाता है। कहां से आता है ये मैंने आपको बता ही दिया है, तब से इसके अंदर अंदर ब्लड भरना चालू हो जाता है। और जैसे ही वेंट्रिकल्स ने काम करना चालू किया तो इसने आराम किया, वेंट्रिकल ने काम किया 0.3 सेकंड के लिए। जैसे ही वेंट्रिकल आराम करना शुरू करेगा, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भरना चालू हो जाएगा। तो 70% फिलिंग तो प्रेशर की वजह से ही हो जाएगा, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स आराम वेंट्रिकल काम कर रहा होता है तब एट्रिया के अंदर ब्लड भर रहा होता है, और एट्रिया के अंदर ब्लड भर रहा है मतलब कि प्रेशर बन रहा है। तो जैसे ही वो सोचेगा कि कब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करें और कब मैं वेंट्रिकल्स को ब्लड दूं, तो जैसे ही वेंट्रिकल्स आराम करेगा एवी वॉल्व तुरंत खुलेगा और एट्रिया से ब्लड डंप हो जाएगा आपके वेंट्रिकल्स में। तो वो प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो 70% हो गया आपकी प्रेशर की वजह से। रिमेनिंग 30% कब होगा? जब एट्रिया सिस्टोल करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो 30% और बचा हुआ वो निचोड़ के वेंट्रिकल्स में डाल देगा। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखो, ये जो साइकिल मैंने आपको बताई है ना, यहाँ पर ये वाली साइकिल पर ध्यान दीजिए। तो 0.1 सेकंड हो गया, एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रहा है। 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर क्या कर रहा है आपका? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा है, एट्रिया डायस्टोल कर रहा है। 0.4 सेकंड के लिए आपका जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है मैं वो आपको बताती हूँ कि एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, ये तो हमें पता हो गया 0.1 सेकंड के लिए, लेकिन एट्रिया के डायस्टोल का समय क्या होता है? एट्रिया कितने समय डायस्टोल करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप समझिए, एट्रिया डायस्टोल करना चालू कर देता है यहां से, ठीक है, 0.3 सेकंड उसने आराम किया, फिर 0.4 सेकंड उसने आराम किया, तो 0.4 प्लस 0.3 कितना हो गया? 0.7 सेकंड। अब भाई कितना आलसी है, 0.1 सेकंड ही काम किया, बाकी समय आराम फरमा रहा है। वेंट्रिकल्स की अगर पूछे कि वेंट्रिकल्स के डायस्टोल का समय क्या है, सिस्टोल का तो हमें पता है 0.3, डायस्टोल का समय अगर पूछा जाए तो कितना होगा? डायस्टोल वो करना चालू करता है यहां से, तो 0.4 प्लस 0.1 सेकंड कितना हो गया? 0.5 सेकंड। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन कार्डियक साइकिल को लेकर तो नहीं रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।